हेलो ही गाइज वेलकम बैक टू डे सिक्सटीन ऑफ अप्रैल और आज के न्यूज़ पेपर में कौन कौन सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट और एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे देखिए स्टार्टिंग विद द एसए कोर्ट जो आप एसए में या फिर किसी एथिक्स के पेपर में है ना या जीएस एस टू जी वन में कोड कर सकते हैं सो so, पहली जो चीज़ है यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनेस्टी ठीक है इट इज़ अ फाइन थिंग टू बी ऑनेस्ट बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बी राइट चर्चिल जी ने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कहते ठीक है कि वी आर ऑनेस्ट पर्सन ठीक है हम ऑनेस्ट हैं ओके रिपोर्ट लेकिन हमें ये जरूरी नहीं है कि आप सही हो ऑनेस्ट होने के साथ साथ में आपको सही भी होना पड़ेगा ये चर्चिल बोल रहे हैं यहाँ पे ठीक है आप ऑनेस्ट हो बहुत अच्छी बात है लेकिन ऑनेस्ट होने के साथ साथ में यू हैव टू बी राइट आल्सो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है तभी वो इफेक्टिव ऑनेस्टी का काम कर पाएगी अदरवाइज जो आपकी ऑनेस्टी है वो दूसरों को हार्म भी कर सकती है ठीक है तो ये चर्चिल जी यहां पे बोलने चाह रहे हैं यू कैन को यू कैन यूज दिस कोर्ट इन दस ए चलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर का आज एक मीन्स का क्वेश्चन है और आप इसको लिख के हमारे जो टेलीग्राम का हैंडल है उस पर भेज सकते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर द डे डिस्कस दिस्कस दॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ मैग्रूव एंड एक्सप्लेन देर इंपॉर्टेंस इन मेंटेनिंग कोस्टल इकोलॉजी ठीक है ये क्वेश्चन है आपने एक टॉपिक अगर पढ़ना है आप पढ़ सकते हो आप इस क्वेश्चन को लिख के टेलीग्राम पे भेज सकते हो मेरे आईडी पे और इसका जो मॉडल आंसर है आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा चलिए नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं जो पहली न्यूज़ आज की वो है ईश्वर रपा क्विट्स एज कर्नाटका मिनिस्टर ये कल भी हमने न्यूज़ देखा था फ्रंट पेज पे फ्रंट न्यूज न्यूज़ थी फर्स्ट न्यूज़ थी तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जो रेजिग्नेशन है ऑफ़ द स्टेट मिनिस्टर ठीक है इट विल बी गिवन टू द चीफ मिनिस्टर हु विल बी हु विल कंसीडर इट और फिर आगे वो फॉरवर्ड करेगा किसको गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट को <coughs> पहली चीज़ तो ये होगी नंबर टू दो तरह की रिस्पांसिबिलिटी होती है हर एक मिनिस्टर की वो कौन कौन सी है नंबर वन आती है कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी और नंबर टू आती है इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी कलेक्टिवली ये जो मिनिस्टर्स हैं वो किसको रिस्पांसिबल रहते हैं लोकसभा को रिस्पांसिबल होते हैं ऑब्वियस ही चीज़ है लेकिन अगर हम कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी की दो चीज़ें यहाँ पे जो उन्होंने लिखी हुई हैं पहली चीज़ तो उन्होंने ये बोला कि जो भी मेंबर्स हैं गवर्नमेंट के आर यूनानिमस इन सपोर्ट ऑफ इट्स पॉलिसीज एंड दी दूनानिमिटी ऑन पब्लिक ओकेजन ऑल द वाइल्ड फॉर्मिलिटिंग द पॉलिसी वो कैबिनेट मीटिंग में डिफ़र कर सकते हैं ये बात समझने वाली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि रिस्पांसिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट मीन कि आपने कैबिनेट की मीटिंग में भी उन्हीं का साथ देना है आपकी जो राय है वो कैबिनेट की मीटिंग में डिफ़र कर सकती है लेकिन पब्लिक ओकेजन में लोकसभा में वहाँ पर डिफर नहीं करनी चाहिए अगर वहाँ पर डिफर कर गई आपकी जो राय है मतलब उसी चीज़ के रिगार्डिंग फिर आपको निकाला भी जा सकता है ठीक है ये चीज़ आपने याद रखनी सेकेंडली मैंने जैसे आपको बताया कि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकसभा के लिए रहती है और अगर हम इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी की बात करें तो जो हेड ऑफ द स्टेट है इज इम्बॉइडेड इन आर्टिकल 75 फाइव क्लोज टू के जो प्लेजर है किसके पे रहेगा ऑन द प्रेजिडेंट लेकिन निकालना चाहिए किसी मिनिस्टर को या नहीं निकालना चाहिए ये जो राय है ये जो डिस्कशन है ये जो पूछेगा जो प्रेजिडेंट जी पूछेंगे वो किसको पूछेंगे प्रेजिडेंट वो, वो पूछेंगे प्राइम मिनिस्टर को अगर प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि ये मिनिस्टर मुझे ठीक नहीं लग रहा तो उसको डिसमिस करना है या फिर उसको निकालना है तो यो प्रेजिडेंट की किस पे है प्रेजिडेंट की विल पे है सो कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी टू दी लोकसभा एंड इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी टू दी प्रेसिडेंट ठीक है लेकिन जो एट दी एंड अगर हम बात करें वो किसके एडवाइस चलेगी प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर एडवाइस विल बी अवेलेबल इन मैटर ऑफ डिसमिसिंग अदर मिनिस्टर इंडिविजुअली इट मे बी एक्सपेक्टेड दैट दिस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट विल वर्चुअली बी एज इन इंग्लैंड पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अगेंस्ट इज कॉलिग्स चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है श्रीलंका विल नॉट इग्नोर पुअर वाइल्ड सीकिंग आईएमएफ एम असिस्टेंस यहाँ पे ये यह जो न्यू न्यूज़ है इसमें हमें आईएमएफ के बारे में पता होना चाहिए बाकी हम चीज़ों को काफ़ी बार श्रीलंका की को डिस्कस कर चुके हैं आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं अगर कोई नया बच्चा इस चीज़ को देख रहा है डिस्कशन को सबसे पहली चीज़ जो आई है वो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि हेड क्वार्टर है इंडी विशिंगटन डी और ये ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस से बना था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों इकट्ठे बने थे जिसको हम ब्रिटेन वुड्स ट्विन्स भी बोलते हैं ये जो आइडिया था वो हैरी डेक्स्टर वाइट और जॉन मेनाड कीन्स का आइडिया था जो कि आईएमएफ को बनाया गया ये जो कंट्रीज है इसमें भी अगर वो कंट्रीज ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन मतलब आ, करनी है हमने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जाना है हमने इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना है इस तरह के काम है और आईएमएफ का मेन पर्पस या मेन काम क्या था कि कोई भी कंट्री अगर बीओपी क्राइसिस के अंडर है उसको वहाँ से निकालना वॉज दी मेन वर्क ऑफ दी आई अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये फॉर्मल एक्जिस्टेंस में आता है 1945 में विथ 29 नाइन कंट्रीज और गोल ऑफ रीकंस्ट्रक्टिंग दी इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम इसमें जो चीज़ है जो आईएमएफ वर्क करता है इम्प्रूव करने के लिए इकोनॉमीज़ ऑफ इट्स मेंबर और कंट्रीज़ और ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को इंटरनेशनल ट्रेड को हाई एम्प्लॉयमेंट को एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को मतलब क्या आप ये मान के चलो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं के यहाँ पे अगर हम बात करें आईएमएफ के बारे में तो आईएमएफ का आपने जो पॉइंट्स याद रखने हैं वो यही पॉइंट याद रखने कि इसको बनाया गया था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को आफ्टर वर्ल्ड वॉर जब आफ्टर वर्ल्ड वॉर इन दोनों को बनाया गया तो वर्ल्ड बैंक को काम दे दिया गया कि जितनी भी डिस्ट्रक्शन हुई है आपने उस चीज़ की रिकन्स्ट्रक्शन करनी है और जो आई एम एफ को काम दिया गया कि जो भी मॉनेटरी लोसिस हुए हैं अगर कोई कंट्री वी ओ पी क्राइसिस में है अगर वो इस तरह के कुछ भी डेट क्राइसिस है उससे जो उभारना है उससे जो आगे लेके जाना है कंट्री को वो कौन करेगी काम वो आई एम एफ करेगी ठीक है और मोर ओवर आई को एक और जो मेन काम दिया गया जो मैंने आपको बताया कि अगर आपने आई की मेंबरशिप लेनी है तो आपको वो क्या सिस्टम है कोटा सिस्टम ठीक है तो कोटा सिस्टम होता क्या है कोटा सिस्टम बनेगा कैसे आपको अपनी करेंसी देनी पड़ेगी और कुछ ना कुछ गोल्ड देना पड़ेगा फिर आपका जितना भी शेयर रहेगा उस हिसाब से आपको कोटा मिल जाएगा अब सपोज कर लो आई ने अभी लॉकडाउन के पीरियड में कुछ एक सपोज करके चलते हंड्रेड जो हंड्रेड डॉलर हैं वो डिस्पेंस किए कि मैं आपको देना चाह रहा हूं है? तो उसमें से, इंडिया का कोटा है टू परसेंट तो इंडिया को जो 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 डॉलर है 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 वो वो पे मिल जाएगा ठीक तो इस तरह से जो ये जो चीज़ काम करती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि, कि कोटा सिस्टम किस पे डिपेंडेंट है कोटा सिस्टम या डिपेंडेंट होता है जितना पैसा आप दे रहे हो अब सपोज कर लो कि ट्रिप जा रहा है कोई टूर जा रहा है आपकी क्लास है क्लास में जो बच्चा सबसे ज्यादा पैसे दे रहा है ठीक है उसकी जो से है उसका जो कोटा है वो भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा क्लियर होगी बात चलिए नेक्स्ट चीज के बारे में नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है रेमिनेंट्स ऑफ वॉर ये जो कीव रीजन है उसके बारे में बताया हुआ है कीव रीजन के बारे में आपको पता होना चाहिए इसके बारे में देखते हैं तो जो कीव रीजन है वो क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे आज ये देखिएगा कीव ये हमारा इंडिया और इंडिया से हम यूक्रेन की तरफ जाते हुए ये कीव रीजन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे जो मेजर चीज़ है जो मेजर डिस्ट्रक्शन है वो हुई थी तो आपको और क्या चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए आपको मैप में एक यहाँ से रिवर निकलती हुई दिखाई दे रही है इस रिवर का नाम हमें पता होना चाहिए और इस रिवर का नाम है नेप्रो रिवर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट प्लीज़ रिमेंबर ठीक है जी इसको याद रखना है आपने निप्रो रिवर कई बार इसी तरह का क्वेश्चन अटक जाता है आ जाता है तो आपने इस चीज़ को याद रखना है चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में हमने जो डिस्कस कर रहे हैं आज वो है कि हनुमान जयंती ठीक है ये दिल्ली के सीएम बैठे हैं तो ये ग्रीटिंग्स दे रहे हैं हनुमान जयंती पे तो चलो ये होगी चीज़ आगे चलते हैं श्रीलंका स्टेयर्स एट बैंक करप्सी और रिडेम्शन ये चीज़ को आज डिस्कस नहीं करेंगे उसका रीज़न क्या है श्रीलंका के रिगार्डिंग बहुत आर्टिकल डिस्कस ऑलरेडी मैं आपके साथ कर चुका हूँ अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आएगा या कुछ मेजर चेंज आएगा तो आई आए विल बी डिस्कसिंग दी श्रीलंका नाउ ठीक है और ये वही कर्नाटका वाला हो गया ये भी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि दिस इज़ रिलेटेड टू पॉलिटिक्स ठीक है मैं आपको बता दूँ दिस इज़ रिलेटेड टू आर जी एस टू इंटरनेशनल मैं रिलेशनस की बात करूँगा और अगर किसी भी कंट्री में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो वहाँ के जो लोग हैं मेरी कंट्री में भी आ सकते हैं तो वो मेरा मैटर हो सकता है इंटरनल सिक्योरिटी का विच आई कैन रिलेट द टॉपिक विद दी जी एस थ्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ओवर ड्यू दिस इज मतलब आप लगा के चलो टोटली पॉलिटिक्स की यहाँ पे बात हो रही है फिर भी मैंने उसमें से निकालने की कोशिश की फर्स्ट न्यूज़ हमने की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से हमने बात करने की कोशिश की नेक्स्ट चीज की तरफ क्या है टेक टू यहाँ पे ये जो चीज़ है यूजीसी के बारे में बताया गया है यहाँ पे भी एक बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है अगर कुछ मेजर चेंज आता है आई विल बी डेफिनेटली डिस्कसिंग विद यू लेकिन आज का सबसे इंपॉर्टेंट जो एडिटोरियल जो हमने डिस्कस करना है वो है द फूड वैक्सीन एज राइट है ना तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे द फूड वैक्सीन एज राइट मोर सो फोर टीबी टीबी पेशेंट्स ठीक है तो यहाँ पे उन्होंने बात की गई है कि कहते हैं इंट्रोडक्शन में बहुत बहुत प्यारा एडिटोरियल लिखा है इन्होंने इन्होंने you know, सबसे पहले यहाँ पे बताया है कि भाई पहले क्या होता था हमारा एक बिलीफ बना हुआ था कि अगर कोई भी इल है तो क्या ले लो पिल ले लो है ना कोई भी इल है तो क्या ले लो पिल ले लो मतलब जो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो या तो वो बैक्टीरिया वायरस या पैरासाइट की वजह से हो सकते तो उसको मार दो तो जो बंदा है वो ठीक हो जाएगा लेकिन उन्होंने बोला कि भाई <coughs> ये अकेली चीज़ बहुत ज़रूरी नहीं है या फिर यही अकेली चीज़ आगे काम नहीं कर सकती यहाँ पे जो अगर मेन वो कहते काम करता है वो है गुड एयर ठीक है ट्यूबर के ट्यूबर ट्यूबर क्यूलोसिस के केस में टीबी के केस में गुड एयर और न्यूट्रिशन जो कि है कंजम्पशन इननेस सच एज ट्यूबर क्यूलोसिस को जो चांसेस हैं इननेस है इनने वो उसको कम कर सकता है हिस्ट्री और इसका पर्सपेक्टिव अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या है कि इसी वजह से उन्होंने बोला माउंटेन टेरेन में क्या बनाया गया था फ़्रेश एयर प्योर वाटर गुड फूड है ना इन क्वेस्ट फॉर क्योर फॉर टी तो कोई ड्रग्स नहीं है देर वर नो ड्रग्स फॉर द टी वी इन दी डिस्कवरी जब तक स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी नहीं होती है अभी तो चलो फिर होता क्या है एक यहाँ पे इंसिडेंट बताया गया है कि वेजेस जब इंप्रूव होती हैं ठीक है तो बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स आते हैं हायर परचेजिंग पावर ऑफ फूड आती है तो जो टी वी मोटेलिटी है वो पहले थ्री हंड्रेड पीपल होती थी पर वन लैख पॉपुलेशन लेकिन वो सिक्सटी आ जाती है इंग्लैंड और वेल्स में जब वहाँ पर इंप्रूवड वेजिज़ हो जाती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक हो जाती है खान पान ठीक हो जाता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ये एक चीज़ देखने को मिली कि जी बी लिटन ने रिपोर्ट किया कि नाइन्टी टू परसेंट रिडक्शन हुआ इन द इंसिडेंस ऑफ टी बी किसमें अमंग द ब्रिटिश सोल्जर दे देवर टेकिंग द डाइट दे देवर हैविंग द डाइट ऑफ रेड क्रॉस वन थाउजेंड कैलरीज प्लस थर्टी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन की जब हम बात कर रहे थे उस चीज़ में तो वहाँ पे हमें देखने को मिला और हिस्ट लेकिन रशियन सोल्जर में जो टीबी के इंसिडेंस थे वो कम नहीं हुए उसका रीज़न क्या था उनकी जो डाइट थी वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी तो आगे अगर हम बात करें नॉट पेशेंट सेंट्रिक तो ये जो चीज़ आप कर रहे हो कि आप ड्रग्स दे रहे हो मतलब कोई भी जो मेडिसिन है उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हो यहाँ पे लिखा भी हुआ देखिएगा आइसोनियाजिड हो गया ठीक है जी स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन हो गया आ, यहाँ पे पैरा एमिनो सेलिसिक एसिड हो गया तो ये जो चीज़ें हैं आप दे तो रहे हो लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो भाई ये पेशेंट अप्रोच नहीं है ये नॉन पेशेंट अप्रोच है यू आर जस्ट डूइंग के बैक्टीरिया टारगेटेड अप्रोच है ये पेशेंट ड अप्रोच लेकर आओ या जहाँ पे हमें बात करनी चाहिए कि किस तरह से लोगों को अफोर्डेबल फूड प्रोवाइड किया जाए जो टी से टी वालों को क्या हर एक बंदों को और यहाँ पर उन्होंने बोला कि मैनी ऑफ दी पोअर डिसकन्टिन्यूड ये जो पैकेज है वो भेजते हैं कि भाई मल्टी ट्रक पैकेज हम घर पर भेज रहे हैं आप इसको लो ठीक हो जाओगे लेकिन काफी जो पोअर लोग हैं वो उसको क्या कर देते हैं बंद कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है ये बहुत ज़्यादा गर्म होएंगे है ना और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होएंगे जिसकी वजह से प्रॉब्लम और भी क्रिएट हो सकती है तो यहाँ पे न्यूट्रिशनल स्टेटस और टीबी रिस्क के बारे में बात की गई है कि ये इट इज़ मोस्ट अनलाइकली दैट ड्रग्स अलोन के अकेले ड्रग्स नहीं काम कर सकते उसको सप्लीमेंट करना पड़ेगा वैक्सीनेशन को किस चीज़ के साथ में आपको खान पान के साथ में इसको सप्लीमेंट करना पड़ेगा तो नाइन्टी जो इंडियंस एक्सपोज होते हैं विद द टी बी रिमेन डॉर्मेंट अगर उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक है अगर उनकी इम्यूनिटी सिस्टम ठीक है लेकिन अगर ठीक नहीं है तो वो जो चीज़ है जो टेन है वो इन्फेक्टेड वहाँ पर प्रॉब्लम में आते दिखाई देते हैं। तो इंडिया में अगर हम बात करें मिलियन एक्टिव हैं और ये डिजीज पुअर का है और पुअर आर थ्री टाइम्स लेस टाइम्स टू गो फॉर ट्रीटमेंट ठीक है तो बिगनिंग विद यहां पे एक चीज लिखी गई है कि अगर जीएसएस के साथ बिगनिंग करेंगे तो वो एग्स मिल्क पाउडर दाल ठीक है जी यहाँ पे बेंगल ग्राम और ग्राउंड नट्स हो गए कुकिंग ऑयल हो गया तो ये इन लोगों को दे रहा है जो कि डायग्नोज होते हैं विद द टीबी और छत्तीसगढ़ ने भी इसी तरह का जो चीज़ है वो स्टार्ट किया था पोषण योजना ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन है ना तो ये क्यों ये है क्या निक्शे सॉरी निक्शे पोषण योजना भी हमने चलाई है छत्तीसगढ़ ने तो इनिशिएट किया था मूंग दाल सोया ऑयल ये देना लेकिन निक्शे जो पोषण योजना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये एंड एक्सक्लूसिवली फॉर दी टीबी पेशेंट तो इसमें रुपीज फाइव हंड्रेड देने की भी बात की गई है कि भाई ऑल दी स्टेट्स बिगेन एक्सटेंडिंग कैशपोर्ट ऑफ रुपीज फाइव हंड्रेड ताकि जो टीबी पेशेंट है वो अपना जो डाइट है वो अच्छे वे से ले पाए यहां पर जो फूड वैक्सीन है इज अ ग्रंटेड राइट टू फॉर द लाइफ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल द सिटीजन मोर सो फॉर टीबी पेशेंट दस द गोल ऑफ द रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ द टी बी इन इंडिया एंड ऑफ रिड्यूसिंग टीबी मोर्टेलिटी कैन नॉट बी रीच्ड विदाउट एड्रेसिंग द अंडर न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपने इस चीज को याद रखना है बहुत आप डेटा भी इसका यूज कर सकते हो बड़ा अच्छा लिखा हुआ है ठीक है चलिए आगे चलते कुछ कॉम्प्लेक्स भी नहीं है यहाँ पे जो ग्राउंड जीरो एक क्रेज स्टडी है वो क्या है प्रॉफिटेबल विंटर इन दी कश्मीर जो विंटर था वो प्रॉफिटेबल रहा कश्मीर में तो इसको सारा पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं लेकिन मैं आपको बता दूँ वो रीज़न क्या था क्योंकि वहाँ पर एक तो वो जो फ़ोटोग्राफी वाली वो चीज़ है आजकल सोशल मीडिया पर डालने की जो हमें पड़ी हुई है तो उस पर कुछ लोगों ने वहाँ के इंस्टाग्राम जो एप्लीकेशन है वहाँ पर कुछ वीडियोस जो अपलोड की उसकी वजह से उनको लगा कि भाई हाँ ठीक है वहां पे जाना चाहिए हर एक बंदे को लगा तो तो उसकी वजह से वहाँ पे जो चीज़ है ये प्रॉफिटेबल होता हमें नज़र आया एंड मोर ओवर आफ्टर दी स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 थोड़ी जो डेवलपमेंट है वहाँ पे इंक्रीज होती हमें दिखाई दे रही है ऑल्डो द केसेज ऑफ टेररिस्ट द केसेज ऑफ के वो अटैकिंग दी लोकल पीपल अटैकिंग दी टारगेटेड अटैक्स हैज़ बिन इंक्रीज ठीक है बट ये जो चीज़ है जो मानने वाली है वो uh, कि थोड़ी बहुत जो डेवलपमेंट है उस पर फर्क काफ़ी ज़्यादा पड़ता हुआ नजर आ रहा है चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे इंडिया टू गेट रिकॉर्ड नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन दी नेक्स्ट टेन इयर्स ये बोला कहाँ पे है। ये थोड़ा याद रखना जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वाइल इन दी द न्यू सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन दी कच्छ गुजरात ठीक चलिए नेक्स्ट चीज की तरफ चलेंगे इफ़ हार्म इंडिया विल नॉट स्पेयर एनी वन सेज़ डिफेंस मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर दौरे पे थे और वो बात कर रहे थे यू एस ए के साथ में तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि अगर कोई हम पे हार्म करेगा हमें तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं तो एक स्ट्रॉग मैसेज चाइना को देना चाह रहे थे यहाँ पे यही चीज़ बोली जा रही है और कुछ भी नहीं है नाओ द अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द टूडेज न्यूज़ पेपर इज़ द ई डार पोर्टल ई डार पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे ने डेवलप किया है ये है क्या ये एक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट होएगा, ठीक है जो कि अपलोड हो जाएगा करेगा ऑन दी पोर्टल फॉर दी इजी एक्सेस जिससे जी चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलेंगे नेक्स्ट न्यूज इंडिया गेट्स एस फोर हंड्रेड ट्रेनिंग इक्विपमेंट ठीक है तो यहां पे आपको पता है कि जो चाइना जो, है वो काफी तरह के सेंक्शन लगा रहे हैं रशिया है के लिए लेकिन रशिया से हम एस फोर हंड्रेड जो ये कंपोनेंट है हम वो मंगाने की आ, काफी टाइम से कोशिश कर रहे हैं वो इसका पहचान भी चुका है दूसरा पहचाना था ठीक है तो यहाँ पे कार्टसा ये आपने याद रखना है कार्टसा के अंदर वो सैंक्शंस लगाता है यूएसए के रशिया से कुछ भी आपने बाय या फिर कुछ भी नहीं करना तो कार्टसा है क्या कार्टसा है काउंटरिंग अमेरिकस एडवर्टरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट ठीक है तो न्यू दिल्ली और मॉस्को हैड आउट पेमेंट थ्रू रूपी रूबल एक्सचेंज फॉर दिस डील इसके बारे में चर्चा करेंगे इसके बारे में हमें पता होना चाहिए देखिएगा यहां पे पहली चीज 2021 का जो आ, मेंस में क्वेश्चन आया है आज मैं मेंस में के क्वेश्चन नहीं डाला आज प्रीलिम्स का क्वेश्चन नहीं डाला जो भी लिख के भेजना चाहता है वो भेज सकते हैं टेलीग्राम पे तो यहाँ पे क्या है हाउ इज दी एस फोर हंड्रेड एयर डिफेंस सिस्टम टेक्निकली सुपीरियर टू एनी अदर सिस्टम प्रेजेंटली अवेलेबल इन दी वर्ल्ड इसके बारे में आपको पता होना चाहिए चर्चा करनी है आपने और लिखना है ओनली वन फिफ्टी वर्ड्स में आपको लिख के भेजना है चलिए नेक्स्ट चीज की अगर मैं बात करूँ एस फोर हंड्रेड के बारे में ये एक ट्रिम्फ जो है मिसाइल सिस्टम है ये एक मोबाइल मोबाइल मतलब एक मिसाइल सिस्टम है उसका रीजन क्या है यहाँ पे आप देख रहे होंगे मोबाइल क्यों क्योंकि किसी भी चीज पे लोड करके मतलब एक जो हमारा हम बोल सकते हैं कि बड़ी भी किसी किसी लार्ज बड़ी लार्ज व्हीकल पे बड़े व्हीकल व्हीकल्पे लोड कर लोड करके उसको हम लेके जा सकते हैं जो एस फोर हंड्रेड है वो एक सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि डिज़ाइन किया रशिया ने बहुत जिसको हम बोले कि डेंजरस ऑपरेशनली डिप्लॉयड मॉडर्न लॉन्ग एस एल इन इन वर्ल्ड ठीक है तो ये जो थर्ड वहाँ पे है यूएसए ने डेवलप किया हुआ उससे भी अच्छी जो सिस्टम है ये एस फोर सिस्टम है और ये एक डिफेंस सिस्टम है मतलब आगे से अगर कोई अटैक कर रहा है तो उसको असेस करके प्रॉपर वे में उसको वहीं पे ख़त्म करने की कोशिश करेगी तो इस तरह का काम करती है एस फोर हंड्रेड तो सिस्टम कैन ट्रैक हंड्रेड एयर बॉन्ड टारगेट एंड एंगेज सिक्स ऑफ देम सामल्टेनियसली ठीक है ना सो so, सिस्टम ये इंगेज होता है टाइप्स ऑफ द एरियल टारगेट्स इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट हो गया अनमेड एरियल व्हीकल हो गया एंड बालास्टिक एंड एंड क्रूज मिसाइल विद इन द रेंज ऑफ 400 किलोमीटर एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अप टू 30 किलोमीटर्स तो 400 किलोमीटर के रेंज के बीच में अगर इसको लग रहा है कि कोई चीज़ इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो वो 30 किलोमीटर ऊपर ही उसको क्या कर देगी डिस्ट्रॉय कर देगी बड़ा अच्छा सिस्टम है हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमारी कंट्री के लिए बहुत बेटर भी है चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस इंडिया मेड वार्म वैक्सीन टू फाइट कोविड तो कोविड से लड़ने के लिए यहाँ पे जो इंडिया है वो एक वार्म वैक्सीन बना रहा है क्योंकि आपने देखा होगा पहले जो वैक्सीन थी वो फ्रीजर्स जो होते हैं हैंडी फ्रीजर्स होते हैं उसमें आती थी तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कई बार वो खराब हो जाती थी लेकिन अभी जो वैक्सीन बनाई जा रही है वो वार्म वैक्सीन बनाएंगे और वार्म वैक्सीन जो है वो कहते हैं थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस तक तो फोर वीक्स तक रह पाएगी और नाइन्टी अगर कोई हंड्रेड डिग्री सेल्सियस था तो उसमें कुछ नाइन्टी मिनट्स तक सस्टेन कर पाएगी रह पाएगी ठीक है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने इस चीज़ को याद रखना है आगे यहाँ पर एक न्यूज़ है ये आपको दिख रही होगी बिहार सिक्स यूनेस्को स्टैक फोर दी साइक्लोपिन वॉल तो ये जो साइक्लोपिन वॉल है ये है क्या कुछ ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ईयर ओल्ड स्ट्रक्चर है राजगीर में है राजगीर आपको पता ये बहुत है बहुत इंपॉर्टेंट साइट है वाई इंपॉर्टेंट बताना आपने ये बिल्ट हुआ था बिफोर थर्ड सेंचुरी बीसी टू प्रोटेक्ट द दशंट सिटी ऑफ राजगीर फ्रॉम द इन्वेटर्स तो ये आपने इस चीज को याद रखना है चलिए नेक्स्ट चीज की बात करेंगे नेवी एक्सिलेट्स इंडिजिनाइजेशन एफर्ट्स एंड फोकस ऑन वेपन एंड एविएशन एटम्प ठीक है तो इसमें सिर्फ आपने अभी फिलहाल की घड़ी यही याद रखना है क्योंकि इसमें और क्या याद रखने वाला है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेवी विच हैर्ली टू टूवार्ड तो तो इंडीनाइजेशन टेकड जगो टू थाउजेंड फोर्टीन प्रोम्यू लगेटेड दी इंडियन नेवीज इंडिजिनाइजेशन प्लान टू थाउजेंड फिफ्टीन थर्टी टू इनेबल इंडिजीनाइज इंडीजीनियस डेवलपमेंट ऑफ इक्विपमेंट एंड सिस्टम ठीक है तो ये चीज यहां पे हमें देखने को मिल रही है चलिए नेक्स्ट चीज के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट चीज है 150 फिफ्टी हर्ट इन क्लेश पुलिस रेड एल अक्सा मॉस्क अल अक्सा जो मॉस्क है इसका जो चर्चा है काफ़ी टाइम से है तो यहाँ पे देखिएगा ये इज़राइल का मैप है तो इसराइल के मैप में ये जो वेस्ट बैंक वाला पार्ट है और ये जो गाजा स्ट्रिप का पार्ट है ये पेलस्तिनियन टेरिटरीज है मतलब जो पैलेस्टाइन के लोग हैं वहाँ पे रहते हैं नॉट इन वेस्ट जेरूसलम वेस्ट जेरूसलम जो है वो कैप्चर कर लिया गया था ईस्ट जेरूसलम में अभी भी वो बंदे रह रहे हैं तो यहाँ पे एक अलग सा मॉस्क है विच इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन वी कैन से क्योंकि बहुत टाइम से वहाँ पे कोई भी जो चीज़ है वो सॉल्व होती हमें दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे जो अलग सा कम्पाउंड है या फिर आ, मतलब है वो ओल्ड सिटी जो प्लेटू है ईस्ट जेरूसलम का मैंने आपको बताया ईस्ट जेरूसलम में वो है लेकिन वेस्ट तो इज़राइल तो के पास पहले से है ही ठीक है तो कैप्चर किया था इसराइल ने इन नाइनटीन सिक्सटी सेवन वॉर ठीक है एंड इज़ नोन टू मुस्लिम्स एज अल हराम अल शारीफ और दी नोबल सेंचुरी एंड टू द जूज एज ए टेम्पल माउंट तो यहाँ पे यार प्रॉब्लम ये आ रही है कि वेस्ट जेरूसलम को कर लिया था लेकिन उसका जो ये वाला पार्ट था अलक्सा मॉस्क वाला वो भी इसराइली के अंडर आ गया था ठीक है लेकिन वहाँ पे वो बोलते कि हमारी थर्ड होलीस्ट जो हमारी साइट है मुस्लिम्स की वो है वहाँ पे ठीक है और जो अलक्सा मॉस्क है मैं आपको बता दूँ कि अल हरम अल शरीफ और नोबल सेंचुरी भी और जूस का भी है जूस का भी है तो यहाँ पे आप एक फोटो में देख रहे हो कि यहाँ पे चर्च ऑफ दी होली ठीक है और उसके बाद में सेंट जेम्स चर्च होगी ये वेस्टर्न वॉल होगी ये अलग सा मॉस्क हो गया ये डोम ऑफ द रोक हो गया तो ये टेंपल माउंट हराम हरम अल शरीफ हो गया तो ये इस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि ये जूस के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्रिश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है और मुस्लिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो जो इजरायली लोग हैं जो इजरायली गवर्नमेंट है वो कहती है कि ये हमारा है तो हमें कैप्चर करना है लेकिन वो कहते हैं कि हम इसको नहीं दे पाएंगे तो इस तरह से जो प्रॉब्लम है वो वहां पर प्रसिस्ट करती है और चलती हुई नजर आती है ठीक है तो ये यहाँ पे एक मेजर चीज है जो आपको पता होनी चाहिए थी चलिए नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं नेक्स्ट जो न्यूज है आज के न्यूज़पेपर में पढ़ने वाली वो था कि चाइना रिड्यूसेस रिजर्व नॉर्म्स फॉर बैंक्स एज इकोनॉमी स्लोस ठीक है जो इकॉनमी है वो स्लो होती दिखाई दे रही है उनकी तो उन्होंने बोला कि जो रिजर्व नॉर्म्स है वो रिड्यूस कर दिए जाएंगे मतलब कुछ होता है ना कि भी बैंक को इतनी जो आइटम है वहाँ पे अपने पास ही रखनी पड़ेगी लेट्स हंड्रेड रुपीज़ अपने पास रखने पड़ेंगे है ना तो उसमें से उन्होंने क्या किया, किया कि आप अभी हंड्रेड मत रखो आप फिफ्टी अपने पास रखो मतलब एक्स्ट्रा फिफ्टी जो रह गए वो आप क्या करोगे अब वो आप मार्केट में डाल दोगे अब मार्केट में डालने से होगा क्या जब वो मार्केट में डाल दिए जाएंगे तो लिक्विडिटी है जो कैश की वो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी और लिक्विडिटी इंक्रीज होने से जो डेवलपमेंट uh, है या फिर वी कैन से ग्रोथ ग्रोथ कैन ऑल्सो भी इंक्रीज ऑब्वियसली ग्रोथ के साथ में थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन जो है वो भी इंक्रीज़ होना लाजमी है वो भी होती होती है तो ये कंसर्न यहाँ पे दिखाया जा रहा है उसका रीज़न क्या है क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो आनी स्टार्ट हो चुकी है कोविड नाइन्टीन लॉकडाउन की वजह से वीक प्रॉपर्टी मार्केट है तो जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती नजर आ रही है सो so, आज के न्यूज़पेपर में इतना ही और आगे आने वाली अपडेट्स के लिए आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू